श्रीलंका के ऑलराउंडर इसरू उड़ाना ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उड़ाना के इस तरह अचानक क्रिकेट से संन्यास लेने की वजह सामने नहीं आई है। इस तरह उन्होंने एक दशक से लंबे करियर का अंत किया। 33 वर्षीय खिलाड़ी हाल ही में भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज का हिस्सा थे। उड़ाना ने भारत के खिलाफ पहले वनडे और पहले दो T20 मैच में शिरकत की थी, लेकिन वो एक भी विकेट नहीं ले सके थे। इसरू उड़ाना ने 12 साल के अपने करियर में केवल 21 वनडे और 35 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने सिर्फ 45 विकेट हासिल किए। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में दो सत्र पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का प्रतिनिधित्व किया था। उड़ाना ने ट्विटर पर अपने दिए बयान में कहा, क्रिकेट हमेशा मेरा प्यार था और बना रहेगा। मैंने हमेशा राष्ट्रीय सम्मान और खेल भावना को बरकरार रखते हुए मैदान के अंदर और बाहर अपना शत प्रतिशत दिया। इस तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये उनके संन्यास लेने का सही समय था। IPL में विराट कोहली की टीम RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से इसरू उड़ाना का नाता है। वहीं साल 2020 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इस श्रीलंकाई गेंदबाज को खरीदा था। हालांकि IPL 2021 में हुई मिनी ऑक्शन में पहले उन्हें रिलीज भी कर दिया था, लेकिन जिस साल उड़ाना ने IPL खेला था उन्होंने RCB के लिए 10 मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए थे। इसरू उड़ाना ने 2009 T20 विश्व कप से श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने 21 वनडे मैच में 52.78 के औसत से 18 विकेट और 34 T20 मैच में 33.89 के औसत से 27 विकेट लिए हैं। एक बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने वनडे में 237 रन और T20 में 256 रन बनाए हैं। वो श्रीलंका के एकमात्र खिलाड़ी थे जो IPL के 2020 सीजन में शामिल थे। जय हिंद।